अजीम वेलकम बैक। आज हम कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान को जर्मनी और जापान से, जो कि थोड़ी सी उस पर लोगों को हंसी भी आ रही है कि कहाँ जर्मनी जापान और कहाँ पाकिस्तान। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पाकिस्तान भी उसी ग्रोथ पैटर्न पे, उसी ग्रोथ स्टेज पे एक ज़माने में था। ये सारे मुल्क एक साथ ही तरक्की कर रहे थे, लेकिन हम लोगों की प्रायोरिटीज़ कुछ गलत होने की वजह से हम लोग कहीं और पहुँच गए हैं और ये मुल्क कहीं और पहुँच गए हैं। तो हम अपने पैनल से ये जानना चाहेंगे कि जैसे वादी साहब, आप बताएं, आपने जापान की पॉलिसीज़ को बहुत पढ़ा है, क्या क्या पॉलिसी थी उनकी, किस तरह से वो इतनी एकदम ख़त्म हो गए थे और इतनी ग्रोथ कहाँ से हुई, अब उनका पैसे कहाँ से आए इतने। देखें, जापान में आप देखें, जब अमेरिका ने वहाँ पर बमबारी की नागासाकी और ये हिरोशिमा पर, तो बिल्कुल ज़ीरो हो चुके थे वहाँ पर। अरबों इंसान इसमें थे कि बमबारी की वजह से या तो मर गए या फिर ज़िंदगी भर के लिए अफवाह हो गए। लेकिन इसके बाद आप देखेगा उन्होंने अपना नुक्ता नज़र मेन जो बेस बनाया उन्होंने इकोनॉमिक को बनाया। आज आप देखें कि जापान की गाड़ियाँ, आप देखें सड़कों पर हवा दवाएँ, जापान की दुनिया में इकनॉमी आज देखें सबसे ज़्यादा है। लोग जो जापान के, बल्कि इवन के मैं यहाँ तक कहूँगा कि हमारे इतनी हो चुकी है कि हम लोग अपनी चीज़ को जापान का नाम देकर अपने बेचते हुए खुशी महसूस, फख्र महसूस करते हैं कि भाई ये जापान की होती पाकिस्तानी है। नंबर इसके ऊपर जो नाम या लेबल लगा दिया जाता है, या तो जापान लग गया उसकी कीमत बढ़ गई, जर्मनी लगा दिया जर्मनी की कीमत बढ़ गई। तो हमारे यहाँ ये है कि उन्होंने एक चीज़ को फोकस किया था, हमारे यहाँ फोकस नहीं हुआ है। वहाँ पर ऐसा कोई फौजी हुकूमत का कोई शामिल दखल नहीं हुआ, हमारे यहाँ मुसलसल फौजी हुकूमत आती रही या किसी ना किसी शिकल में इसका असर, कहीं पे किसी पे कब्जा नहीं किया। जितना पैसा है आमतौर से अमीर मुल्क को चाहिए था कि जाके कोरिया पे या किसी पे कब्जा करें, उस तरफ गए नहीं बिल्कुल। हम किसी भी इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी में वो नहीं पड़े, सिर्फ अपने एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान देते रहे, फ्री इकोनॉमी रखी उन्होंने। तो इन्फ्लेशन वहाँ हमेशा से जीरो रहा, ताकि लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आस्ते आस्ते बढ़ती गई। यहाँ हमने इन्फ्लेशन कर करके लोगों को मारा हुआ है। तो जापान से बेसिक जो आप समझते हैं कि लेसन जो हम ले सकते हैं, एक तो लोग बड़े हार्ड वर्किंग हैं वहाँ के। सही। अच्छा, उन्होंने भी शुरू में बोरो किया था पैसे कि नहीं, वर्ल्ड बैंक वाले से पैसे लिए, उनकी इकोनॉमी के स्टार्ट करने के लिए उनको पैसे कहाँ से मिले? अमेरिकन इंजेक्शन उनको बहुत ज़्यादा मिलता रहा, वर्ल्ड बैंक वाले के थ्रू, जनरलाइज थ्रू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। मगर इसका मतलब उन्होंने भी बहुत हेवी बोरिंग की इसी जमाने में। बिल्कुल किए हो, लेकिन उन्होंने जो बोरिंग किए है उन्होंने उसी मकसद के लिए इस्तेमाल किए। हमारे यहाँ चूंकि हम देखें IMF से लेते हैं या दूसरे भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनसे लेते हैं, लेकिन इसका असर हमारे आवाम पर नहीं आता, ना इसके असरात हमारे आवाम की तरफ मुंतकिल होते हैं। नतीजा क्या होता है, हमें पता ही नहीं चलेगा जी हाँ हमने कर्जा लिया है, लेकिन कहाँ गया कुछ पता नहीं है। तो यही वजह है कि उन्होंने जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए जो भी बोरिंग की है उन्होंने उसके लिए यूज़ किया, हम लोग इसमें यूज़ नहीं कर रहे। हमें तो पता ही नहीं होता, भाई वो कहते हैं आवाम की फलाह और खुशहाली के लिए हम कर्जा ले रहे हैं, लेकिन आवाम को ना फलाह मिल रही है ना खुशहाली मिल रही है। अरे जापान में मैंने जो पढ़ा उसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि जनरल मैकआर्थर था वहाँ, जिसने उसने पहला काम ये किया कि वहाँ का जो कॉलोनियल वो था फ्यूडल सिस्टम उसको ख़त्म कर दिया, जितने फ्यूडल लॉर्ड्स वगैरह को हटा के ख़त्म कर दिया, ज़मीनों में बराबरी से बांट दी, और उसी ने ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई, जिसका मैनिफेस्टो यही था कि हम सिर्फ बिजनेस करेंगे, हम दुनिया के साथ ट्रेड करेंगे, हम एक्सपोर्ट करके ज़रिए हम जो है तरक्की करेंगे, क्योंकि उनका मुल्क तो एक लिमिटेड मुल्क है। सही। उनकी ज़्यादा तरक्की एक्सपोर्ट के ज़रिए हो सकती थी, और यही वजह है कि आज आप देखेंगे जर्मनी की गाड़ियाँ, जर्मनी की चीज़ें पूरी दुनिया में, यही जापान को चमका रही है। छोटा सा जर्मनी के बारे में, जर्मनी में जो पॉलिटिकल सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया मार्शल, जनरल मार्शल ने वहाँ, उसमें क्या किया था उन्होंने, पुराने क्लास को ख़त्म किया या? नहीं, वहाँ तो ऐसी क्लास ख़त्म हो चुकी थी, वो वहाँ कुछ था नहीं, जैसे जापान में तो उन्होंने हाँ जापान में तो ये हुआ था ना कि कुछ लॉर्ड्स वॉर्ड्स टाइप की चीज़ थे तो उनको मैकआर्थर ने ख़त्म किया, सिर्फ सिम्बोलिकली बादशाहत को रख दी, और उसका बुनियादी तौर पे वो सिम्बोलिक था, है अभी भी पावर वो सिम्बोलिक है कि प्राइम मिनिस्टर से वो बेचारा हलफ लेता है या उसका रिजाइनेशन लेता है, ये करता है, उसके अलावा उसके पास कोई पावर नहीं है। मगर यह है कि उसकी इज्जत बहुत है जापान में, जापानी अपने बादशाह की बाप की जैसे इज्जत करता है, और उसने अपने आप को उस तरीके से मेंटेन किया हुआ, वो हैंकी पैंकी चीज़ों में पड़ता ही नहीं,
जर्मनी के साथ ये हुआ कि वहाँ तो इट वाज ऑल नथिंग, वो सोशल फैब्रिक उन्होंने फिर से रीबिल्ड किया। हाँ, वहाँ का सोशल फैब्रिक जो था ना वो बुनियादी तौर पे एकदम खत्म हो चुका था। हिटलर ने ज्यूस को मार दिया, जो पैसे वाले थे ज्यू को मार दिया, दूसरे हिटलर को इन लोगों ने मार दिया। तो इस तरीके से सोशल फैब्रिक इंटायरली डिफरेंट था। मगर ये था कि कौम जो है ना, एक नेशन, जर्मन इज ए नेशन। अच्छा, वहाँ भी मिडिल क्लास लीडरशिप क्रिएट हुई। बिल्कुल, क्योंकि वो जितने वेल नोन नेम तो खत्म हो चुके हैं, वेल नोन खत्म हो गए, मिडिल क्लास और इंटरप्रेन्योर क्लास क्रिएट, इंटरप्रेन्योर पढ़े लिखे लोग, जैसा आप कह रहे थे कि उनके जितने लीडर बनाए सब डॉक्टर ही थे, जितने चांसलर होते थे इकोनॉमिस्ट होता था, कोई होते ही नहीं थे कुछ भी। उनके यहाँ 8 आदमी 9 आदमी की पूरी मिनिस्ट्री होती थी, वो एक सस्टेन एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती थी। भी लाइक जापान वही थी कि एक तो फ्री इकोनॉमी, उनके पास डिफेंस के ऊपर एक पैसा नहीं था। हाँ, वो तो एक अच्छा, दूसरी तरफ इकोनॉमी जो उन्होंने चलाई वो कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म अमेरिका में अप्लाई नहीं हो सकता था बिकॉज ऑफ वहाँ ऑलरेडी लेबर यूनियन ये वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, वो चीज़ें जो अमेरिका में नहीं अप्लाई कर सकते थे, मगर इन थ्योरी को पता था कि बहुत अच्छी है, वो जर्मनी में अप्लाई हुई और जापान में अप्लाई हुई। और इसी को पाकिस्तान में भी कोशिश की गई। नहीं, पाकिस्तान में सेम मॉडल वाज अडॉप्टेड अप टू 65। आपका करंट जो आया ना, आपने जो एडवेंचरिज्म कश्मीर वाला किया था, उसके बाद यू स्टार्टेड ब्लीडिंग ऑल्सो, यू पेड द प्राइस, यू स्टार्टेड ब्लीडिंग। आखिरी जो झटका लगा वो 71 में। देखिए, जर्मनी आप बोल रहे हैं ना कि जर्मनी छोटा था, बड़ा हो गया, हम छोटे हो गए, हमारी हाफ इकोनॉमी चली गई, हाफ पॉपुलेशन चली गई, हाफ लैंड चला गया, अब हम रह गए। अच्छा, पोटेंशियल एजुकेशन डेमोक्रेसी जो थी इस पाकिस्तान, अगर साथ होता पाकिस्तान के साथ, तो यहाँ डेमोक्रेसी आ जाती। यहाँ आपकी जो डेमोक्रेसी है वो फ्रजाइल डेमोक्रेसी है, बुनियादी इस पाकिस्तान के जो फ्रजाइल डेमोक्रेसी है। यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स लैंड रिफॉर्म यहाँ आप कर नहीं सके, उन्हीं की हुकूमत है, आपकी डेमोक्रेटिक तालीम आपने दी नहीं, लोगों के अंदर शऊर नहीं है, इसी वजह से डेमोक्रेसी उस वक्त चलती है। वेस्ट मिनिस्टर के आपने डेमोक्रेसी को पाकिस्तान में ले तो आ गए, इन थ्योरी में, इन प्रैक्टिस लोगों को पढ़ा लिखा बाशऊर होना चाहिए ना डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को समझने के लिए, वो है नहीं। वो तो है नहीं, हर आदमी एक खानदान से एक आदमी है, बाप था पहले, अब दादा था पहले, उसके बाद बेटा हुआ, उसके बाद बाप हुआ, उसके बाद बेटा हुआ, अब पोता होने वाला है उसका, वही मिनिस्टर बनेगा, वही MNA बनेगा, वही MPA बनेगा। तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो ये नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। दूसरी जो खराबी जो हो रही है वो ये है कि आप तालीम की तरफ ना आप बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान को अगर सर्वाइव करना है, बेल आउट करना है, तो दो चीज़ें आपको ये करना होगा कि तालीम की तरफ आपको मैक्सिमम डोज देनी होगी। जैसे आप डिफेंस पे खर्च करते हैं, उसी पैटर्न पे आप एजुकेशन के दें, और आपकी जो अपकमिंग जो यंग जनरेशन है इसको स्किलफुल बनाए। मगर बात ये रिसोर्सेज की आ जाती है ना, अभी तो आप जैसे आपने कहा कि हायर एजुकेशन से बजट कम कर दिया गया, 3,200 का जो हमारा बजट है उसमें से 56 बिलियन जो है हेल्थ पे रखा गया है, 26 बिलियन एजुकेशन पे। एक तो इन्फेसिस की बात है और टोटल रिसोर्स की भी बात है, इतने ज़्यादा आपका डिफेंस का एक्सपेंडिचर है, डेट सर्विसिंग आपकी इतनी बड़ी है, आप पैसे लाएंगे कहाँ से? टैक्स तो आपके यहाँ कलेक्ट हो नहीं रहा। ठीक है, अच्छा, इस सिलसिले में एक जो बात समझ में आती है जो शायद फ्यूचर की तरफ इशारा करती है वो ये है कि अगर ये जो सार्क मूवमेंट जो है चल रहा है, और उसके तहत जो सेफ्टा एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत ये पूरे इलाके को एक मार्केट बनाने की बात है 2013 में, अगर उस तरफ पेशरफ्त हो तो फिर आप डिफेंस एक्सपेंडिचर कट करने की बात कर सकते हैं। और जब डिफेंस एक्सपेंडिचर कट होगा तो वो आप चाहे तो एजुकेशन पे लगा दें, हेल्थ पे लगा दें, या किसी और तरफ लगा दें। मतलब आप इंडिया से रिलेशनशिप जो हमारी है उसके बारे में आपकी क्या व्यू है? आप क्या समझते हैं कि हमें उनसे दोस्ती करनी चाहिए, सेफ्टा एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, या
इसी तरह की हमें जंग की सिचुएशन रखनी चाहिए किसी न किसी बहाने से? देखिए, जंग किसी भी मसले का हल नहीं होता है। ये जो आप कह रहे हैं कि सेफ्टा एग्रीमेंट जो है, उन्हें तो ये चाहिए कि हम भारत से ट्रेड करें, ना ये कि टेररिस्ट करें। आप देखें, अब ये है कि भारत हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम जितना भी करीब से हमारा जो इससे जितना भी ट्रेड हो सकता है उसमें हमारे जो एक्सपेंस हो गए वो भी हमारे आधे से ज़्यादा कम हो सकते हैं। भारत हमारा करीबी कंट्री है, ये देखिए उसको आप बदल तो सकते हैं, उसको तो बदल नहीं सकते, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर लड़ते रहे उनसे या हमेशा के लिए। देखें, पाकिस्तान हमेशा ये पॉलिसी अपनाई है कि भारत से दोस्ती करे, लेकिन मसला ये होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे अवामी ला जाते हैं कि जब दोस्ती होने की बात होती है, जब ट्रेड होने की बात होती है, या कहीं दोस्ती बस चलती है, तो कुछ ना कुछ ऐसे अवामी ला जाते हैं जिनकी वजह से वो स्टॉप हो जाता है, और फिर यही नतीजा होता है कि जी हम उनके ऊपर ब्लेम कर रहे होते हैं, वो हमारे ऊपर ब्लेम कर रहा होता है, तो यही चल रहा होता है। उन्हें तो यही चाहिए कि कोई ऐसी जो कुवत है जो पाकिस्तान और भारत को ट्रेड होने नहीं दे रही किसी भी सूरत में, और ये उनका मुफाद है। जब तक ये दोनों मुल्क लड़ते रहेंगे, सामने वाला अपना असला भी बेचता रहेगा, उसकी इकोनॉमिक चढ़ती रहेगी, लेकिन वो होता ये है कि हमारे मुल्क में जो होता है ये इसका जो अफेक्ट आ रहा है दोनों मुल्क के अवाम पर आ रहा है। उन्हें तो ये चाहिए कि अगर हम एक अभी भी देखें, जो वजीर खारजा साहब बात कर रहे थे कि हम भारत से दोस्ती चाहते हैं या भारत से हम ट्रेड चाहते हैं, लेकिन कहने का मकसद यह है कि इसमें कौन से अवाम मिले जो इनके बीच में राह में हायल हैं, हमें वो अवामी लोग रुकावट दूर करनी होगी। है जो आप समझते हैं कि अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता रहे तो ये अवामी साइड तो हो सकता है। अगर देखें ना सही जमहूरियत, देखें भारत में जमहूरियत, वहाँ पर आज तक कभी फौजी हुकूमत नहीं आई, हमारे यहाँ देखें क्या होता है, फौजी हुकूमत आ जाती है, वही थोड़ी देर ये हमारा ये चलता है कि ये अच्छे वक्ती तौर पर तो बयान की हद तक होता है, लेकिन दर हकीकत कुछ भी नहीं होता। वही फिर पहले मुलाकात करते हैं तो बड़ी खुशहाली से साथ करते हैं, लेकिन फिर इसके बाद क्या होता है कि भाई वो जब वो अपने मुल्क जाते हैं वो अपना अलग बयान देते हैं, हमारे यहाँ वाले आकर अपना अलग बयान देते हैं, नतीजा वही रहता है। थियोरेटिकली पूरी दुनिया इस बात को बड़ा गौर से देख रही है इस वक्त कि देखिए, जो मैंने पहले बात की 50s 60s की, वो सब कहानियाँ तो हो गई पुरानी। अब जो फ्यूचर नज़र आ रहा है वो ये है कि चाइना जो कि बिल्कुल तबाह हो गया था जब अंग्रेज़ वो जब ये जब ये वहाँ इंडिपेंडेंस आई है, आज फिर से खड़ा हो गया, बिल्कुल सेकंड इकोनॉमी बन गया दुनिया का, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन इलाकों में इतनी कम है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना में, कि पूरी दुनिया की जो बिजनेस खुद बखुद उठ के चली आ रही है। हम बुला नहीं रहे, सही बिजनेस मैन तो फ़ायदा देखता है, अगर कहीं पे $1 में वो काम करा सकता है लेबर से तो वो $70 क्यों देगा अमेरिका में, बिल्कुल सही, या यूरोप में, तो उसका सेल्फ इंटरेस्ट से वो आ रहा है, तो वो लोग परेशान तो हैं कि ये जो मुल्क है ना ये बड़े तेज़ी से तरक्की करेंगे, हम लोग नीचे चले जाएंगे। और एक जो सबकी नज़र है ख़ास तौर से कि ये जो सेफ्टा एग्रीमेंट है, साउथ ईस्ट एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके तहत इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव, भूटान, नेपाल, ये सारे मुल्क बेसिकली एक इकॉनमी हो जाएगी 2016 तक, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, आप पाकिस्तानी माल आप बांग्लादेश भेजो, मालदीव भेजो, कोई बैरियर नहीं रहेगा टैरिफ का। ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट, 1.4 बिलियन की मार्केट पैदा होगी, जो कि चाइना से भी बड़ी होगी, और सबका यही ख्याल है कि जिस दिन ये हो गया तो इंडिया ये सेफ्टा रीजन जो है बिकम द बिगेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रॉब्ली द नंबर वन इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड, उसके बाद चाइना होगा, उसके पीछे अमेरिका होगा, उसके बाद दूसरे मुल्क होंगे। तो इस चीज़ को शायद वेस्टर्न पावर्स भी नहीं चाहते कि ऐसा हो, और वो उनके जो यहाँ एजेंट्स बैठे हुए हैं दोनों साइड पे उनको इस्तेमाल करते हैं कि भाई ये नहीं होने तो ये हो जाएगा तो हमारे लिए अच्छा नहीं, और फिर वो जो आपकी बात है कि उनके आर्म्स कहाँ बिकेंगे जब हम लोग की आपस की लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। शोर, आपको कुछ उम्मीद नज़र आती है जो कुछ हुआ हुआ, कश्मीर का जंग, अफगानिस्तान का जंग, अब एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल पड़ा है, आपको लगता है कि आगे चल के डेमोक्रेटिक फोर्सेस या आवाम की जो ख्वाहिशात हैं वो इतनी स्ट्रांग होगी कि जो जो सेक्टर्स खासतौर से डिफेंस वाले लोग जो हमें चाहते हैं कि लड़ते रहें हम, उनको सेट असाइड करके या उनको कमज़ोर करके जो विल ऑफ द पीपल है प्रिवेल करेगा इस पूरे रीजन में, और ये रीजन जो है ना गुरबत से निकलेगा? बुनियादी तौर पे ख्वाहिश तो होनी चाहिए, वह होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। नहीं हो, क्योंकि एट प्रेजेंट जो लॉबी है वो मच स्ट्रॉन्गर देन द पीस लॉबी। पीस लॉबी बेचारी नहीं, जो एक्सप्लॉयटर्स लॉबी जो है वो बहुत स्ट्रांग है हमारी दोनों साइड पे, ये पूरी ये नहीं है कि एक साइड में है,
यहाँ पीस होने नहीं दे रहे हैं, इनकी ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि वो बेमौत मारे जाएंगे अगर ये हो गया। और कभी भी यूरोप जो है ना एज ए होल दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको मदद भी करेगा, सब कुछ करेगा, सलाम में भी आ जाएगा, मगर बुनियादी तौर पे वो नहीं चाहेगा कि आप सस्टेनेबल इकोनॉमी बन जाए। उनकी ख्वाहिश एज ए होल नहीं है। वो आते हैं, आपको ब्रीदिंग स्पेस भी देते हैं, वेंटिलेटर में भी रखते हैं, इकोनॉमिक आप मेल्टडाउन आपका टोटल हो जाएगा तो वो आपकी मदद भी करेंगे, मगर आपको आप ये समझिए कि वो आपको वेल टू डू कर देंगे, वो नहीं, वो आपको खुद करना पड़ेगा। एंड वी हैव गॉट ऑल द पोटेंशियल टू डू दैट। बेसिक पोटेंशियल है दोनों साइड पे, दोनों साइड पे पोटेंशियल, और ये इकोनॉमिकली हम लोग वायबल है, इकोनॉमिकली वायबल है, पोटेंशियल मौजूद है, सिर्फ चैनलाइज करने की जरूरत है, अपने आप को जिसको बोलते हैं ना मारने की जरूरत है। अगर आप अपने आप को इस काबिल बना ले, अच्छा उसके काबिल बनाने के लिए दो तीन तरीके हैं जो आपको ये करना होगा। एक है कि आपके अंदर मोहब्बत वतन हो जाए, पहली बात जो मेरे को नज़र नहीं आता। दूसरी बात यह है कि आप तालीम दिलवाएं, जब तालीम दिलवाएंगे टेक्निकल एजुकेशन दिलवाएं, आपका ये जो टेक्निकल एजुकेशन और तालीम जो है ना ये दुनिया को ज़रूरत है। जर्मनी को आपके स्किल लेबर की ज़रूरत है अगर आप चाहें, जापान के पास बंदे नहीं है। ये अच्छा इन मुल्कों के बनावे से बड़े मजे की बात ये कि यूरोप के पॉपुलेशन जापान की पॉपुलेशन खत्म श्रिंक कर गई, श्रिंक कर, तो हमारे पास 10 करोड़ आवाम यंग, बिल्कुल शौकत साहब की बात सही है, अगर उसको किसी तरह ट्रेन कर दें। मिसाल के तौर पे आप यहाँ से चाहें तो जितने हमारे मदरसे के बच्चे हैं जो बेचारे बड़े अच्छे लड़के हैं बेसिक, उनको नर्सेस बना के आप पूरी दुनिया में भेज सकते हैं भाई, तारिक साहब फैलाएंगे और नर्सिंग के कमाई $200 से कहीं और पूरे दुनिया में ये लोग जा सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है इनको। बिल्कुल इसी तरह आप बिजनेस भी यहाँ आ सकता है, बिल्कुल उसके लिए भी अंग्रेजी जानना, मैथमेटिक्स जानना, ये थोड़ी सी टेक्निकल तालीम दे, तालीम दे बस, तो ये सारे लोग आ सकते हैं, हमारे लोग वहाँ जा सकते हैं और बड़ी तेज़ी से यहाँ तरक्की हो सकती है। मुझे तो अब ये लगता है कि जो हालात पैदा हो रहे हैं, अगर यहाँ डेमोक्रेसी रहेगी तो आइंदा चल के ऐसी पार्टी सामने आएंगी जो वाकई सिंसियर होंगी, और जिनका मैनिफेस्टो सिर्फ होगा इकोनॉमिक्स और कुछ नहीं, कि भाई किसी तरह से हमें मुल्क को आगे लेके जाना है, यहाँ लोगों को रोजी देना है, यहाँ लोगों को पानी पिलाना है साफ, यहाँ लोगों को एजुकेशन देना है, हेल्थ देना है, अगर ये मैनिफेस्टो हो और सारी दुनिया के सियासत से हम अलग हो जाए, ये मुल्क नेक्स्ट जर्मनी जापान बिल्कुल हो सकता है, बल्कि शायद हम उससे भी आगे निकल जाए। भाई साहब अभी चाइना जो है ना 6 दिन में उसकी इकॉनमी इतनी ऊपर हो जाएगी कि उसके पास भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, फिर हमारे लिए और ज़्यादा आपके लिए चांसेस, ब्राइट चांसेस हैं, मगर आप अपने आप को तैयार पहले करें। तैयार करने के लिए वही ज़रूरी है कि तालीम दें, हेल्थ का ख्याल रखें, बेचारे को हेपेटाइटिस से बचाएं, जो आप कर रहे हैं हेपेटाइटिस से पूरी कौम आपकी अंधी हो रही है। ये अभी तो एक्सपोजर, इस फ्लड का जो इफेक्ट है ना उसका एक्सपोजर तो अब आने वाला है ना, कि आप ने इन लोगों के साथ क्या किया है, आपने इतना बुरा हाल किया हुआ, इतना बुरा हाल किया हुआ। ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि ये बड़ा चेंज लेकर आया, आईज ओपनर है पूरे दुनिया के लिए, अभी दुनिया देख रही है, बोले कि साहब ये क्या है, वो तो ये सारे ये लोग तो छुपे हुए थे, अब निकल के आए पूरे दुनिया के सामने, बोल रहा है कि क्या हो रहा है, ये क्या मुल्क है, ये कैसे इस तरीके से गिल्टी कॉन्शियसनेस दुनिया में आ रही है, पूरी दुनिया ये फील कर रही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ह्यूमैनिटी के साथ क्या कर रहे हैं, इस यूनिवर्स के साथ क्या कर रहे हैं, हमारे लोग करें या ना करें मगर दुनिया ज़रूर कर रही है। नहीं, अब हमारे लोग नहीं करेंगे तो फिर वो खूनी इंकलाब आएगा, फिर उनका जो हश्र होगा वो होगा, क्योंकि अब इतनी बड़ी फोर्स और गुर्बत में इजाफा एक तरह से हो गया है। बिल्कुल, तो यही हो सकता है कि फैक्टर बन जाए यहाँ पर चेंज लाने की, और अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलेगा तो इस तरह की पार्टीज़ को जो चीज़ें बदलना चाहेंगी उनको चांस मिल जाएगा। शायद ये बात बड़ी लंबी है, इंशाल्लाह फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अब मुझे टाइम ख़त्म हो रहा है, कंक्लूड करना पड़ रहा है। नाज़रीन, आज हमने कंपेयर किया जर्मनी, जापान और पाकिस्तान को, और इसमें हमने ये बात साबित की है कि 50-60s में हम लोग बिल्कुल शाना बशाना चल रहे थे,
इन दो मुल्कों को के जो दुनिया के दो तीन बड़े इकोनॉमिक पावर बन के उभरे, आज उनका कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ लोगों को मजाक तो लगेगा, लेकिन ये फैक्ट है कि अगर हमारे यहाँ डिसरप्शंस नहीं आती जो आई इन द फॉर्म ऑफ 65 वॉर, हमारे कश्मीर कम्पेन जिसपे बेनताब पैसे खर्च हुए, जिसने हमें अमेरिकन जो हमारे पास डिफेंस प्रोटेक्शन थी उससे महरूम किया, और फिर जो नेशनलाइजेशन, फिर इस पाकिस्तान का सेपरेशन, फिर हमारी जो जहादी शौक हमारे जो पैदा हुए अफगानिस्तान पे कब्ज़ा करने के चक्करों में, इन चक्करों में अगर हम नहीं पढ़ते और जर्मनी और जापान की तरह फोकस रहते सिर्फ अपनी इकोनॉमिक को ठीक करने के लिए, तो हमें ये लगता है कि हम भी शायद जर्मनी जापान होते, आज हो सकता है जर्मनी की तरह पाकिस्तान टूटता नहीं, बल्कि ये जो इंडिया के जो नेबरिंग स्टेट्स थे लाइक पंजाब, गुजरात और ये राजस्थान वगैरह, शायद हम हमारे अंदर शामिल हो जाते, क्योंकि हमारे यहाँ 50-60s में इतनी प्रॉस्पेरिटी आ गई थी कि ये मुल्क, ये जो हमारे नेबरिंग इलाके थे वो बड़े हमसे जलने लगे थे कि भाई पाकिस्तान इतना अमीर हो गया, हम लोग क्यों गरीब रह गए, और इंडिया उसके बाद भी काफ़ी दिनों तक गरीब रहा, अब जाके वहाँ पर तरक्की शुरू हुई है, तो ये हो सकता था कि हम पाकिस्तान को और बड़ा कर लेते जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीज़न, लोग हमारे पास खुद ही आ जाते, उसके बजाय हमने अपने मुल्क को तोड़ दिया और आज हम जिस पोजीशन में पहुँचे। लेकिन कंक्लूजन ये है कि जो वोट हमने मिस कर दिया था 50s 60s के बाद, वो हम फिर से कैच कर सकते हैं, क्योंकि हमारी फिर से हमारे पास आवाम इतनी ज़्यादा है, हमारे पास वर्क फोर्स है, हार्ड वर्किंग लोग हैं, और कंपेरेटिव कॉस्ट हमारी इतनी ज़्यादा कम है रिलेटिव टू द वर्ल्ड कि इंशाल्लाह ये फिर से हो सकता है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि लोग हमारे हुक्मरान हैं सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे जोर दें, फ्री इकोनॉमी को चलने दें, फ्री ट्रेड को अलाउ करें, और बहुत सारी जो रुकावटें हैं बिजनेस में उसको दूर किया जाए, ये मुल्क फिर से जर्मनी और जापान बन सकता है। इसी के साथ खुदा हाफिज़।